क्या आपके भी पास है भैया ये 1 रुपया? अगर आपके पास ये 1 रुपया है गाइज, तो आप इन 5 कंट्रीज के अंदर बड़ी आसानी से भैया अपने लिए ना कपड़े खरीद सकते हो। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हो इन 5 कंट्रीज के अंदर। देखो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर हम 1 रुपया की कोई वैल्यू नहीं समझता। इंडिया के अंदर क्या, कहीं पर भी ऑल ओवर कंट्रीज के अंदर हम बात करें गाइज, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो 1 रुपया की कोई वैल्यू नहीं समझता। जैसे कि बोल देते यार 1 रुपया ही तो है, कोई बात नहीं, खो गया, चुर गया, रहने दो यार, कट गया तो 1 रुपया ही तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दोस्तों, ऐसे में हम बात करें कि जैसे कि हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी या बाइक में ऑयल गिरवाते हैं तेल, तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि यार 99 का डाल दो, 109 का डाल दो, 149 का डाल दो, जबकि वो 100 का रुपया देते हैं या 110 देते हैं या 150 देते हैं। जी हाँ गाइज, अब हम ऐसे में बात करें भैया कि अगर पेट्रोल पंप वाले के पास सुबह से शाम तक आई थिंक कि 12 घंटे की जो उनकी ड्यूटी वो होती है, और अगर 24 घंटे की है तो भैया बड़ी आसानी से आ जाते होंगे। अब हम ऐसे में बात करें भैया कि सुबह से शाम तक की बात कर लेते हैं, सुबह से शाम तक 500 बंदे ऐसे अगर आ जाते हैं जो बोलते हैं कि 99 या 109 या 149 का डाल दो, तो भैया देखो 1 रुपया इंटू 500 रुपये तो उसकी यहीं पर बच गए। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक रुपया से 500, 5000, 5 करोड़, 5 मिलियंस रुपए इकट्ठे होते हैं। जी हाँ गाइस, देखो अब हम ऐसे में बात करें इन 5 कंट्रीज की, कि अगर इन कंट्रीज में हम 1 रुपया इंडिया का लेके जाते हैं तो भैया आप वाकई में अपनी पॉकेट भर लोगे। रियलिटी बता रहा हूँ गाइस। तो चलिए, उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नवाब पर नए हो तो भैया रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल नवाब पर ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई ट्रिक नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखो हम नंबर 1 पर लेना चाहेंगे इंडोनेशिया का। जी गाइस, अगर आप इंडिया से 1 रुपया इंडोनेशिया में लेकर जाते हो तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो 190 रुपये आपको मिलेंगे इंडिया के 1 रुपया के। जी हाँ गाइस, इंडोनेशिया के अंदर आपको इंडिया का 1 रुपया 190 रुपये में चलने को मिलेगा। जी हाँ, अब आप बड़ी आसानी से 190 रुपये की एक टी शर्ट या फिर कुछ भी खरीद सकते हो यार, बहुत बनती 190 रुपये। अब हम नंबर 2 पर बात करें गाइस, तो वियतनाम के अंदर गाइस बड़ी आसानी से आप शॉपिंग कर लोगे 1 रुपया के अंदर। जी हाँ, अगर इंडिया से आप 1 रुपया लेके जाते हो तो वियतनाम के अंदर आप बड़ी आसानी से एक शॉपिंग कर लोगे छोटी सी। जी हाँ, मैं बता देता हूँ, वियतनामी डंग 324 रुपये हमें वियतनाम के अंदर मिलेंगे। इंडिया का 1 रुपया और वियतनाम के 324 डंग, वियतनाम की जो करेंसी उसका नाम वियतनामी डंग है, तो 324 रुपये हमें मिलेंगे। अब हम नंबर 3 पर गाइस बात करें तो लॉस के अंदर भी भैया हम काफ़ी सामान खरीद सकते हैं इंडिया के 1 रुपया का। जी हाँ, मैं बता देता हूँ, लॉस के अंदर अगर आप इंडिया के रुपया को चलाते हो तो भैया 124 रुपया के 124 लोशियन किप में चलने को मिलेगा। जी हाँ, लोशियन किप वहाँ की करेंसी का नाम है, लोशियन किप आपको 1 रुपया की 124 लोशन किप मिलेंगी। जी हाँ गाइज, अब हम नंबर 4 पर बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया के अंदर भी भैया आप कोल्ड ड्रिंक तो आसानी से पी ही सकते हो सिर्फ 1 रुपया की। अब हम मंगोलिया की बात करें तो भैया इंडिया का 1 रुपया और मंगोलिया की करेंसी 38 रुपीज। जी हाँ गाइज, 38 रुपये। अब हम ऐसे में नंबर 5 की बात करें तो गाइस श्रीलंका के अंदर भी आपको इंडिया का 1 रुपया 3 रुपया में चलेगा। जी हाँ, इंडिया का 1 रुपया 3 रुपया में श्रीलंका के अंदर आपका चलेगा। अब हम भैया बात करें कि जो सुबह से शाम तक एक एक रुपया इकट्ठा कर रहा है, 500 रुपये भी अगर उसने इकट्ठे कर लिए तो आप कैलकुलेशन करके देखिए, 500 इंडोनेशियन रुपीस का 190, वियतनाम का 324 और लॉस का 124 और मंगोलिया का 38 और श्रीलंका का 3 रुपये, तो काफ़ी सारे हो गए। जी हाँ, अब हमें से मैं बात करें भैया कि अगर इंडिया के कुछ लोग यहाँ पर जाते घूमने के लिए तो बड़ी आसानी से 10-15 हज़ार रुपये में अपनी ट्रिप जो है एक हफ्ता घूम के आ सकते हैं वहाँ के अंदर बड़ी आसानी से, महाराजाओं और सुपरस्टारों जैसी जिंदगी एक हफ्ते वहाँ पर जी के आ सकते हैं। गाइस, अगर आप इस इन 5 कंट्रियों में जाते हो इंडिया के 10 या 15-20 हज़ार रुपये लेकर, तो बड़ी आसानी से आप सुपरस्टारों वाली लाइफ वहाँ पर जी कर आ सकते हो। जी हाँ गाइस, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर ये जानकारी पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नवाब पर ऐसी ही जानकारी आपके लिए डालते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।